हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में व्हाट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन और उसके टाइप, है ना। वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में हम देखेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके हम टाइप के बारे में देखेंगे, टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो वेव ट्रांसमिशन, है ना, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सेटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, है ना। तो इन चार ट्रांसमिशन के बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो व्हाट इज वायरलेस ट्रांसमिशन, क्या होता है वायरलेस ट्रांसमिशन? वायरलेस ट्रांसमिशन को ही हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन को ही हम क्या बोल सकते हैं? अनगाइडेड मीडिया। अब एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, है ना। मतलब अनगाइडेड मीडिया क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर सकती है विदाउट फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है, वो एयर से जो है हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। इन गाइडेड मीडिया एयर इज ए मीडियम थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजली, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, गाइडेड मीडिया में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको हम एयर के थ्रू इजली फ्लो करवा सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया जो है में रेडियो वेव्स आते हैं ना, रेडियो वेव्स आते हैं अनगाइडेड मीडिया में, है ना। तो रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट आर द ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन इन फ्री स्पेस, है ना। मतलब ये ऑल डायरेक्शन में जो है हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। द रेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज फ्रॉम 1 किलो हर्ट से लेकिन 3 किलो हर्ट तक की जो है इसकी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे रेडियो वेव की वो 1 किलो हर्ट से लेकर के 3 किलो हर्ट तक की हमारी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल जो है एफएम रेडियो, जो हमारे एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। यूजफुल फॉर द मल्टीकास्टिंग देयर इज वन सेंडर एंड मेनी रिसीवर। इसमें यूजफुल कहाँ होता है, जहां एक सेंडर हो रिसीवर कई सारे हो तो वहां जो है ज्यादा यूजफुल के लिए ये होता है। एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन आर एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव्स, है ना। रेडियो वेव के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एफएम रेडियो हो गया, है ना, टेलीविजन हो गया, है ना, और कॉर्डलेस फोन, है ना। कॉर्डलेस फोन जो होते हैं उसमें भी रेडियो वेव ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन का, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर अलाइंग विद सेम डायरेक्शन। सेंडर और रिसीवर जो है एक डायरेक्शन में जो है अलाइंग होने चाहिए जब हमारा जो है डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। नॉट क्लियर द ऑल बैरियर लाइक माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स। अगर बीच में माउंटेन्स या बिल्डिंग्स आ गई तो हमारा जो है डेटा ट्रेवल नहीं कर सकता या ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है बैरियर्स होते हैं, है ना, माउंटेन हो गया, है ना, बिल्डिंग हो गई, तो इस तरीके के जो अगर बीच में, अगर एंटीना के बीच में अगर ये अगर चीज़ें आ गई तो हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता। फॉर इंस्टॉलिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज द एंटीना, है ना, और इनको जो है इंस्टॉल करने के लिए हमें एंटीने की जरूरत पड़ती है ना, एंटीना लगाना पड़ता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन करने के लिए, है ना। इसका एग्जांपल हो गया ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन। टेलीविजन पे जो प्रोग्राम आते थे पहले, नेशनल टीवी आता था, वो जो है एक हमारा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। अब इसकी बैंडविथ क्या होती है, इसकी बैंडविथ होती है 1 से लेकर के 10 MB/s की इसकी जो है स्पीड होती थी, ठीक है। इसको जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत लो कॉस्ट होता है ना, इनएक्सपेंसिव होता है। शॉर्ट डिस्टेंस पे तो बहुत लो कॉस्ट होता है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर ट्रेवल करवाया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डेटा भेजा जाए तो ये बहुत हाइयर कॉस्ट के माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, एक टावर यहाँ है ना, और एक हमारा जो ट्रांसमिट एंटीना है ये यहाँ है, यहाँ से अगर ट्रांसमिट करेगा हमारा सिग्नल और हमारे पास जो पहुँचेगा तो हमारे एक अलाइन में होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन काम करता है। अब हम सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमारा जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पॉइंट ऑन द
ग्लोबल बाय यूजिंग द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हम किसी भी पॉइंट से जो है ग्लोब के किसी भी पॉइंट से हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. द सैटेलाइट एक्सेप्ट द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड एम्पलीफाई द सिग्नल. इसमें ये क्या करता है, जब भी डेटा को ट्रांसमिट करता है, है ना, जब डेटा को ट्रांसमिट करता है और फिर इसके बाद जो अर्थ से उसको सिग्नल पहुंचता है तो सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके फिर ट्रांसमिट कर देता है दूसरे अर्थ स्टेशन पे, है ना, दूसरे अर्थ स्टेशन पे हमारे सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके फिर भेज देता है. तो इस तरीके से जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन काम करता है ना. इट इज यूज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, रेडियो, टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन. मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, है ना, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, है ना, जो डिश टीवी होती है उसके ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम जो है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं ना. वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी जो है हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस तरीके से जो है हमारे अर्थ के रिवॉल्व घूमती रहती है और ये कुछ स्टेशंस होते हैं जो हमें सिग्नल को रिसीव और सेंड करते हैं. इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होता है? एन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द शॉर्ट रेंज, है ना, शॉर्ट रेंज के लिए जो है हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं. ठीक है, इट इज यूज फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सेल फोन्स. अगर दो सेल फोन से अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. टीवी रिमोट ऑपरेशन, अगर हमें टीवी के चैनल बदलने हैं या वॉल्यूम अप डाउन करना है तो उसमें भी एक इंफ्रारेड चिप लगी हुई होती है जिसकी वजह से हम टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज सन रेज विल इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड वेव्स, है ना. ये क्या होता है कि जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है इसको अनरिलायबल मानते हैं. अनरिलायबल क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम बिल्डिंग के बाहर इसको यूज करेंगे और अगर हमारी सन रेज अगर इस इंफ्रारेड को जो है इंटरफेयर करती है, हमारा जो है सिग्नल अच्छे से पहुंचता नहीं है, तो जो हमारी सन रेज होती है इसको जो है इंटरफेयर करती है ना, तो इसकी वजह से हम जो है इसको एक बिल्डिंग के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते. तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इस तरीके से काम करता है. सो थैंक यू.